जैक मा ई-कॉमर्स जायंट अलीबाबा के फाउंडर और चेयरमैन हैं और दुनिया के सबसे बड़े ई पेमेंट पोर्टल अलीपे के स्टेक होल्डर। जैक मा ऑफिशियली चाइना के रिचेस्ट आदमी हैं जिनकी नेटवर्थ 25 बिलियन डॉलर है। जैक मा की कंपनी अलीबाबा की नेटवर्थ फेसबुक से भी ज्यादा है। एक साल में जितनी सेल्स अलीबाबा की होती है उतनी सेल्स अमेज़न और ईबे मिलकर भी नहीं कर पाती हैं। सुनने में आपको ये स्टोरी एक ऐसे बिलियनर की लग सकती है जिसने कभी बुरे दिन देखे ही नहीं है, लेकिन जैक मा ने अपनी लाइफ में जितने रिजेक्शंस और फेलियर्स फेस करे हैं उतने तो एक आम इंसान भी अपनी लाइफ में फेस नहीं करता होगा। जैक मा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 10 बार अप्लाई किया था पर हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने अपनी लाइफ में टोटल 30 जॉब्स के लिए अप्लाई किया लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्शंस फेस करने पड़े। जब KFC चाइना में रिक्रूटमेंट के लिए आई थी तब 24 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया था जिसमें से 23 लोगों को जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया और वह एक आदमी जिसे जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं किया वह जैक मा। जैक मा अपनी प्राइमरी स्कूल एग्जाम्स में 2 बार और मिडिल स्कूल एग्जाम्स में 3 बार फेल हो गए। एक बार उन्होंने और उनके 4 दोस्तों ने पुलिस फोर्स के लिए अप्लाई किया और उन 5 लोगों में से वे अकेले ऐसे थे जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। यही नहीं, अलीबाबा से पहले उन्होंने 2 बिजनेसेस स्टार्ट किए थे और वे दोनों बिजनेसेस फेल हो गए। इतने सारे रिजेक्शंस और फेलियर्स फेस करने के बाद भी जैक मा ने कभी हार नहीं मानी। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि इतनी बार फेल होने के बाद आपको कैसा लगता है तो उन्होंने कहा कि रिजेक्शंस तो लाइफ का एक हिस्सा है और हमें उनकी आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जैक मा अपनी लाइफ में कुल 54 बार रिजेक्ट हुए थे। अगर वह किसी भी रिजेक्शन के बाद हार मानकर बैठ जाते तो क्या वे चाइना के रिचेस्ट आदमी बन पाते? आपकी सक्सेस इस पर डिपेंड करती है कि आप अपने फेलियर्स और रिजेक्शंस के साथ कैसे डील करते हो। सक्सेसफुल लोग अपना टाइम रिजेक्शंस और फेलियर्स के बारे में सोचकर वेस्ट नहीं करते हैं बल्कि वे रिजेक्शंस और फेलियर्स फेस करने के बाद उनसे कुछ और बड़ा करने के लिए मोटिवेट होते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आप 1 बार 5 बार 10 बार फेल हो गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बार बार फेल होंगे। रिजल्ट्स और आउटकम्स हमारे हाथ में नहीं होते हैं, पर बार बार ट्राई करते रहना और हर सिचुएशन में अपना 100% देते रहना यह हमारे हाथ में होता है। तो अगली बार जब भी आप फेल हो जाओ तो 1 बार और ट्राई करना, अगर फिर से फेल हो जाओ तो 1 बार और ट्राई करना, अगर 1 बार फिर फेल हो जाओ तो 1 बार और ट्राई करना और तब तक ट्राई करते रहना जब तक आप अपने गोल्स को अचीव ना कर लें। हमेशा याद रखना, दुनिया में आज तक कोई भी आदमी ऐसा नहीं हुआ जिसने सक्सेस अचीव करने से पहले फेलियर्स और रिजेक्शंस फेस ना किए हों। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स एंड स्टे मोटिवेटेड।